यशोमती मैया के नंदलाला। कान्हा आजा, पूजा आरंभ करते हैं। नहीं प्रभु, क्या सोच रहे हो लल्ला? आजा। पहले इस राक्षस का सामना करना होगा मुझे, अन्यथा यह सुग्रीव को सबके लिए अशुभ बना देगा। मैया, लक्ष्मी जी की पूजा से पहले सारे घर में दिए जलाकर उनका स्वागत करना चाहिए ना? कितना सयाना होगा मेरा लल्ला। चलो जी, दिए जलाएं। आज प्रभु, मैं कुछ नहीं जानती। कोई भी योजना बनाइए, कोई उपाय निकालिए, पर आप मैया को मनाइए। आप मेरी पूजा नहीं कर सकते, ये शोभा नहीं देगा। पहला दिया जलाए वो लल्ला? हाँ मैया। ले, ध्यान से लल्ला। जिस श्वेत रंग का आकाश में क्या गया? सुनो जी, देखो आपने, ये तो अवश्य ही बहुत अशुभ संकेत है जी। कहाँ है वो? कहाँ है विष्णु अवतार कृष्ण? दिवाली के शुभ दिन अशुभ संकेत की बात करियो मैया, ये तो कयूत तीव्र चलने के कारण मुझे है फिर से चला लेंगे। साधारण दीपक ही तो है ये। जे साधारण ना है लल्ला, दीपावली के दीपों का बहुत विशेष महत्व होता है। तो है भैया, वनवास के बाद जब राम जी लौट कर आ रहे थे तब उनके स्वागत में पूरी अयोध्या में ये दीप जलाए गए थे। दीपावली अमावस्या की रात को पड़ती है और रात का अंधेरा मन के भीतर के उस अंधेरे का प्रतीक होतो है जो बुराई को शक्ति देतो है। ये दीपक का तेल है ना, ये मन के विकारों का प्रतीक है, और ये बाती प्रतीक है हमारी आत्मा का। जब अमावस्या की अंधेरी रात में हम जो दीपक जलाते हैं ना, उसका अर्थ ये हो तो है तो जे बाती अर्थात कि हमारी आत्मा भक्ति के ताप में तप कर इस तेल अर्थात हमारे मन के विकारों को जला देती और आत्मा शुद्ध होकर परमात्मा के साथ एक हो जाती और फैल जातो है दसों दिशाओं में अच्छाई, सुख, शांति और
ज्ञान का प्रकाश, समझो। साधारण अर्थ में कहते हैं कि दीपावली की रात जो दीपक का प्रकाश होता है ना, वो रावण की बुराई पर राम जी की अच्छाई का, उनकी जीत का प्रतीक होता है। समझ गो मैया, सब समझ गो। आज हम सारे दीपक जलाएंगे बाबा, और इसके प्रकाश के कारण कोई भी विकार, कोई भी बुराई वृंदावन में प्रवेश ना कर पाएगी, वृंदावन में प्रवेश ना कर पाएगी। इतना तीव्र प्रकाश, इसके कारण तो कुछ देखना भी कठिन हो गया है, और मुझे इन दीपकों की उष्मा क्यों अनुभव हो रही है? कैसे संभव है ये? आज बुराई पर अच्छाई की विजय की रात है। आज वृंदावन के निकट आने का प्रयास बिना करना वक्कासुर, अन्यथा इन दीपकों की लो तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। इन दीपकों की अग्नि तो सचमुच मुझे जला रही है। सारे देवता भी मिलकर मुझे नहीं रोक पाए थे, इन नन्हे दीपकों में इतना सामर्थ्य कहां जो मेरे पांव को बांध पाए। इन्हें अंधेरा मिटाने वाले साधारण दीपक समझने की भूल मत करो वक्कासुर। वृंदावन में जलने वाला हर दीपक उस भक्ति का प्रतीक है जिसकी लो मेरे भक्तों ने अपने हृदय में जला रखी है। भक्ति की शक्ति के आगे तो रावण को भी हारना पड़ा था वक्कासुर, फिर तुम्हारा तो अस्तित्व क्या है? तो फिर अब मैं भी देखता हूँ ये दीपक कब तक तेरे वृंदावन को मुझसे बचाते हैं। जैसे जिस सारे दीपक बुझ गए थे और चारों ओर अंधेरा छा गया था, मुझे लग रहा है अवश्य ही कोई बुरी ऊर्जा है हमारे आसपास। यशोदा, अंधेरे को भूल जाओ, चारों ओर बिखरे इस प्रकाश को देखो, जे मैया लक्ष्मी की उपस्थिति का संकेत, उनका आशीर्वाद हमारे साथ। आप अभी यहीं हैं देवी? मैं कैसे जा सकती हूँ? यशोमती मैया मेरे दर्शन करना चाहती है, जिनकी इच्छा आप नहीं टाल सकते, उनकी इच्छा का मान मैं ना रखूं, ये तो संभव ही नहीं है। आपने मनाया है ना, स्मरण है ना आपको? मैं आपसे अपनी पूजा नहीं करवा सकती। अब तो दीपक भी जल गए, इससे पहले कि मुहूर्त निकल जाए पूजा आरंभ करते हैं। चल आ जा। यदि हमारे आसपास कोई बुरी ऊर्जा ना है
और यदि लक्ष्मी जी की कृपा सच्ची में हम पे है तो जब तक हमारी पूजा समाप्त होगी ना कान्हा, तब तक इस केले के आगे का भाग अपने आप दब जाएगा। कान्हा, ये भी दीपावली की एक प्रथा है, इससे पता चलता है कि मां लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी हुई है कि ना। हे लक्ष्मी मैया, हम सबकी पूजा स्वीकार करो, आप हमें आशीर्वाद दें। आपने सही कही थी जी, मैया लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे साथ ही है, सच्ची में हमारे साथ यही है। मैया, मैया लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दिए जी हमें। हाय यशोदा, मैया ने हमारी भक्ति स्वीकार कर ली। आजा लल्ला, यहाँ बैठ, पूजा आरंभ कर दे। आजा। प्रभु नहीं, प्रभु क्या कर रहे हैं आप? कोई उपाय निकालिए, मैं आपसे अपनी पूजा नहीं करवा सकती। मैं मानती हूँ कि आप मानव रूप में हैं, पर फिर भी आप हैं तो मेरे स्वामी श्री नारायण के स्वरूप ही। आपसे पूजा करवा कर मैं उल्टी गंगा नहीं बहा सकती। जिन मैया की बात आप नहीं टाल पा देवी, उनकी आज्ञा का पालन मैं ना करूं, ये कैसे संभव है? इतनी पिछली क्यों हो रही हो? प्रेम और पूजा में कोई अंतर नहीं होता। मैं कोई भी अवतार क्यों ना ले लूं, मेरा प्रेम तो सदा आपके साथ ही है। तो फिर मैं आपकी पूजा करूं या आप मेरी, इसे क्या अंतर पड़ता है? इस अवतार में मुझे आपका साथ कब मिलेगा प्रभु? इधर के राजा विष्णु की पुत्री रुक्मणी के रूप में शीघ्र ही आपका जन्म होगा। पर माले मिलन के लिए आपको थोड़ी लंबी प्रतीक्षा करनी होगी देवी, क्योंकि उसके पहले मुझे अपने अन्य दायित्व निभाने हैं और कंस के राक्षसों का सामना भी तो करना है। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। सच्ची में आज बहुत ही शुभ दिन है। हाँ यशोदा, मुझे भी अब विश्वास हो गया कि अब से सुख और समृद्धि ही हमारे वृंदावन का भाग्य बनेगी। इन दीपकों का प्रकाश सैकड़ों सूर्यों की भांति चुभ रहा है मुझे। मैं भी बकासुर हूं, हार मानना तो मैंने सीखा ही नहीं, इसी वन में घात लगाकर बैठा रहूंगा। जैसे ही ये दीपक बुझेंगे, मैं इस वृंदावन पर और उस विष्णु अवतार पर आक्रमण कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा उस मायावी कृष्ण को।
उसने मेरी बहन पूतना का वध किया है। नहीं छोड़ूंगा उस मायावी कृष्ण को, नहीं छोड़ूंगा उस मायावी कृष्ण को। चाहे जितनी बार मेरा नाम जप लो पक्का सुर, इसका फल तो तुम्हें कल ही मिलेगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.